एक पार्सल और आया है और तो ये सारा गुस्सा हो गई बिकॉज मैंने इनको सब पागल हो गए यहाँ पे। और ये वाला मैंने स्टैंड ऑनलाइन मंगवाया था। ये वैसे ये भूतों की बातें सुना रहा है बच्चों को इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अब जो क्लिप्स आप देखने वाले हैं ये एक्चुअली ये पूरा व्लॉग ही रमज़ानों का है। तो मैंने जो है एडिट नहीं किया था बिल्कुल भी, शूट तो मैं कर रही थी और फिर मेरे फ़ोन में स्टोरेज का इशू आ रहा था तो मैं ईद पे भी ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो फ़िलहाल आप ये व्लॉग इन्जॉय करें। जो है कल ये वाला कुशंस के कवर सी लिए फाइनली, और ये वेलवेट का कपड़ा मैं लेकर आई थी और फिर मैंने खुद ही स्टिच करके इस पर कवर चढ़ा दिए। फ़िलहाल तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है और फिर देखते हैं अभी क्या अपडेट्स आएंगी। अभी फ़िलहाल तो इतना ही है और यहाँ पे बैठा है मेरा मेम बॉर्डर। देखें इसको आप लोग सब, देखें इस बच्चे को, मेरी बच्ची को, बोले मैं लबेतू, बोले अल्लाह नींद आ गई इनको, यहीं पे सो जाएंगे। ये बना लिया आज, कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, सिर्फ भजिए तले हैं, दाल है। और यहाँ पे देखें आप लोग मोमो भी आई है हमारे साथ अफ्तार करने, पीछे देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा लग रहा है। फाइनली वो रेक्स लग चुकी हैं और यहाँ पे फिलहाल कुछ ऐसा लग रहा है। और ये वाला मैंने स्टैंड ऑनलाइन मंगवाया था, ये वैसे तो कपकेक स्टैंड है लेकिन मैंने फ़िलहाल अभी इस पर खाली कप रख दी है और ईद पे इसको निकालूंगी मैं बाहर, मतलब कप केक बनाऊंगी या कुछ मिठाई रखूंगी, अब देखते इस पे क्या रखेंगे। माइक्रोवेव का कवर तो मैंने कहा इसको भी लगा दूं क्योंकि इस पे धूल काफ़ी आती है, यहाँ से खिड़कियाँ खुली रहती हैं तो इस पे भी ये कवर मैंने लगा दिया है। एक पार्सल और आया है और उसमें आए हैं लैम्प्स, ये भी मैंने ऑर्डर करे हैं ये, लेकिन मैं नीचे हॉल में लगवाने वाले हम लोग। इसके बल्ब अभी आए नहीं हैं तो अभी लगे फिट नहीं हुए, इंशाल्लाह शायद कल तक हो जाएंगे। चार लैंप्स हैं टोटल, सारी हो गई है रेडी। और मैंने बनाए हैं आज गोल वाले प्याज के भजिए और ये बनाए हैं पफ्ड पिज़्ज़ा बनाए मैंने, अब ये मैं बताऊँगी आपको कैसे बने हैं ऊपर चल के। और यहाँ फ्रूट्स कट गए हैं, मिट्टी खा रहे हैं। बना रही हूँ मैं 3D फ्रेम टाइप कुछ बना रही हूँ, अभी इसके पीछे एक फ्रेम आएगा फिर हम इसे भी डेकोरेट करेंगे और फिर आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। और फ्रेम जो है मैंने उसको पेंट करके रखा है, दिखाती हूँ मैं फ्रेम जो कि मैंने पेंट करके रखा है लेकिन अभी सूख जाए, एक बार ऑयल पेंट करा है इसलिए एक बार और फिर से पेंट करेंगे, फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे अपना पेड़। आज निकला हुआ है ये मून, कितना प्यारा लग रहा है यार, बिल्कुल बारीक है सामने से तो और खूबसूरत दिख रहा है। सुबह होने ही वाली है और यहाँ पे हमारा मिस्टर देखिए, पाशा बॉय है ये, पाशा बॉय नाम है मेरे बच्चे का। और ये लड़कियों को गोद में नींद हो रहा है आज फिर से, इधर रात हो रही है और इधर सुबह हो रही है। पेड़ लगाया था हमने तुलसी, उसका तुखमलई का, वो टूट के गिर गया, मतलब शायद मुझे लग रहा है मिम्मी ने फेंका है और अब इसको वापस हमें समेटना पड़ेगा। और हम जा रहे हैं छत पे क्योंकि आज आए हुए हैं बच्चे, बच्चों में आए हैं नौरी, निलमा, सारा, सुमैया, सुबह सुबह के टाइम आ गए हैं ये लोग। और अभी धूप अच्छी खासी निकल चुकी है, आज तो फाइनली सूरज भी आ चुका है, क्या मालूम किस साइड है, देखते हैं चल के ऊपर। माय मिम्मी पाशा, आज हमें शॉपिंग का। और ये इल्मा भी आई हुई है, इधर इल्मा भी आई हुई है, नौरिन, सारा, सुमैया, हाँ सारा, सुमैया, इल्मा, सब लोग आए हुए हैं और मिम्मी ये बैठी हुई है, ये बैठी हुई है। और हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे किचन में, अखरप्पी ने फ़ोन मंगाया था ब्लॉग बनाने के लिए तो बस वहीं जा रहा है। अखरप्पी गेट खोलिए, यहाँ पे अखरप्पी कुछ बना रही है, चिली चीज़ टोस्ट बना, चिली चीज़ चो, ऑरेंज काट रही है शिमला मिर्च और वो भी इतनी मोटी मोटी, हमने कहा भी था बारीक काटना है। अभी रुकिए, अभी ये देखिए कि अपन ये काट देंगे बारीक बारीक, मैं आई हेल्प यू, और हाथ अगर काटा है ना तो तुम जानना, मैं जानूँ, हाँ तुम जानो, ये सारा भी देख लेंगे खड़े होकर, टेस्ट करवाएंगे तो हम लोग सारा से करवा लेंगे, कुछ भी टेस्ट कराना हो सारा का रोजा नहीं है, मेरा रोजा है, इनका रोजा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। और बेचारी सुम्मी हमारे बर्तन धो रही है, बेचारी
और यहाँ मैं बना रही हूँ चिली चीज टोस्ट, इसमें दाल मैंने भिगो दी है। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी अच्छी मिनी पिज्जा, तो उसका यीस्ट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो आ गया, तो आज हम बनाएंगे फाइनली मिनी पिज्ज़ा। उस दिन वाला जो यीस्ट मंगवाया था वो ख़राब निकला, तो वो हमने फेंक दिया, उसमें वही नहीं आया खमीर। इसको हम स्ट्रेन कर लेते, मैदे को निकाल लेते इसमें। तो यीस्ट जो है अभी इसमें लिखा तो नहीं है कि इसको गर्म पानी में डालना है कि नहीं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डायरेक्ट डाल दूँ, क्योंकि इसमें लिखा है मिक्स विथ वाइल मिक्सिंग द ड्राई इन्ग्रीडियंट, सारे जब ड्राई इन्ग्रीडियंट डालेंगे ना इसमें जाएगा डायरेक्ट। ये बन जाएगा पानी से ही गूंद देते हैं, यहाँ पर हम लोग गूंदेंगे गर्म पानी से, क्योंकि उससे हाँ वो थोड़ा सा डो अच्छा बनता है इससे। ये सोया भी खड़ी हुई है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये मैंने चॉप करी, ये सारा करेंगे, ये देखिए ये डल रहा है अपना ऑयल, ओलिव ऑयल जस्ट फॉर वन टेबल, ओनली वन टेबल स्पून ऑयल, अपने हिसाब से डाले उन्होंने, बस ये होगा। और अब इसमें सारा कैमरे पकड़ लो, यू पकड़ लो, ठीक है मैं आती हूँ। हमारे डो अब हम इसको ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से राइस हो जाए, अब हम इसको निकालेंगे बिल्कुल एंड टाइम। ये नौरिन बाजी की चॉपिंग ही बन नहीं हो रही है, इतनी मोटी काटी कि उसको दोबारा से चॉप कर रही है, काफी देर से मोटे मोटे काटी गई थी बिल्कुल सही से उनकी तरह। तो ये सारा गुस्सा हो गई बिकॉज मैंने इनको मतलब इन्हें पागल बोल दिया था, तो इसलिए गुस्सा हो गई इसलिए। तो नौरिन तुम क्या कर रही हो यहाँ? शॉपिंग कर रही है बहुत देर से, ओके सारा। अरे मत करो ना यार, अब तो आ गई सीन हो गया। छप्पी आप क्या करेंगे? अच्छा अच्छा मी कटिंग रहा है अनियन, इसको छीलना पड़ेगा और छील के फिर इसको काटना पड़ेगा। नौरिन कह रही है कि मुझे दुपट्टा चेंज करने चाहिए, उनका दुपट्टा मैं ओढ़ी हूँ, क्योंकि मैंने नमाज पढ़ने के लिए लिया था, नमाज पढ़ने के लिए। अब कह रही है अब मुझे ले लो, ये है नौरिन और ये है सुमैया जो की बना रही है चिली चीज टोस्ट की फिलिंग। ये तो बेसन बेसन के अंदर, अरे भजियों का समझे मिनी पिज्जा है, ओ माय गॉड हम समझे मिनी पिज्जा, लेकिन ये तो भजी बन रहा है जिसमें उन्होंने डाला सॉल्ट जीरा और हमारे साथ तो वो भी डालते हैं क्या कहते हैं प्याज, अरे मसाले क्या क्या डालते, मसाले तो मजे भी डालती हैं, अरे बस इतने ही डालते ज़्यादा ही डालते, लेकिन उसके अंदर चाट मसाला डाल दो तो और मज़ा आ जाता है, तो हरी मिर्च डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं, ओह हरी मिर्च डालते हैं, मसाला ठीक है। यहाँ पर कट रहे हैं वो तरबूज, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हम लोग नमक कौन चखेगा, सारे काम कर दोगे, काम कर दोगे, नमक चख के बताना है। एक रुपये आप एक हाथ से जब कैमरा पकड़ते हैं तो एक हाथ से कैसे करते होंगे, आगे सामने शूट कर रही है, ये कपड़े दिखा रही है, ये तरह तरह के खराब भी कर ली, खराब भी कर लिया उन्होंने अपने कपड़े को, बेचारी लड़कियों को कितनी मेहनत कर रही है बेचारी, सबके बहुत आज पैर दुख रहे मेरे और सबके ही दुख रहा है, क्योंकि हम लोग आज खूब साइकिलें चलाएंगे, काम कर सकते हैं ये अभी दिखा ना, सर लेकर आए पाइन एप्पल क्रश, आज ये आज हमारे तरफ पाइन एप्पल काम में काटते,
ज्यादा हो जाएगा तो इनका नाम आ जाएगा तो मैं टेस्ट करने का उन्होंने बोला था, उसने करा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बन रहे हैं रिंग अनियंस वाले, अनियन रिंग्स कह सकते हैं। तो ये भजी बन रहे थे और एक रोटी बना रही है। यहाँ पर हमारा तेल भी अच्छा खासा गर्म हो चुका है। ओह माय गॉड, तुम सब लोग दूर जनों को ओ वाह, लेकिन ये बहुत प्यारे रहे हैं। अप्पी मैं इनको बहुत खतरनाक रोजा चिपक रहा है सारा अप्पी। हाँ बेचारी ये देखिए अफतारी तल गई है। अब ये बेक होंगे, ब्राउन से होने लगे। यहाँ पर ये सारा अप्पी कर रहे हैं। हाँ भाई सही बात है, हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। और उधर हम की दाल भी गिर रही है, अभी वो भी बनानी है। इधर टाइम है 6 बजने बनना है। ये देखिए ऐसे हम लोग इसको काट रहे हैं। इसको अपन पानी के अंदर अगर डाल देते हैं ना तो ये जो इसकी मिर्च होती है आँखों में वो नहीं जाती है। कितना यूनिक इन्होंने कुछ वो करा है, मतलब डेकोरेट। ये देखिए इसके अंदर लिखा है क्वीन और किंग और ये शादी जी का और ये मिस्टर मिसेस। ओ ये कुछ दिखाने वाली हैं दो। ओ भाई ओ वाओ, मिनी का मिनी पिज्जा का डो है। अरे आप काहे की लगा रही हो देखिए ऐसा बना है मिनी पिज्जा का डो। अब लोग जब मिनी पिज्जा बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, ऑब्वियसली दिखाएंगे। मेरे इनमें से लड़ाई हो गई और ये हमारे पापा ये सारा पी है बैठी हुई हैं। मैंने सारा की तारीफ कर दी, सारा की इल्मा की बुराई तो इल्मा रो रही है। गरम देंगे डाल देंगे तो ये एक रपे चिल्ला रही सारा भी खाना पका लीजिए। पनीर वनीर जो बनवाना बना लेंगे। मंदी काट लीजिए, मंदी हो गई गैस। ओ माय गॉड सारा पी उधर पीछे सुमैया है। अब जो डो गूंदा था वो अच्छे से हो गया था। अब इसको हम अच्छे से इसको वो दबा दबा के खींच लेंगे। हाँ यूँ कर कर के हमें खींचना है इसको ताकि ईस्ट और एक्टिवेट हो जाए। यार ये हाथ तेल यहाँ तक चढ़ा, तेल यहाँ तक चढ़ा। लॉरिन यहाँ से ऊपर पले तक फेंक रही हूँ और हम ये दो घूम रहा है। ये बस बेटे बस मेरे बच्चे बस कुछ बोले तो सुमैया अप्पी, सुमैया अप्पी ब्लॉगिंग कर रही हूँ चुपचाप। सारा के तरफ भजी कितना अच्छा चल रहा है। तो बहुत ज्यादा मोटे अच्छे नहीं लगते है ना, अच्छे लगते तुम लोग को मोटे पतले अच्छा इतने से ये पेस्ट लेंगे। अब इसमें वो करेंगे कॉफी स्पून से और इसको हम कर लेंगे 15 सेकंड को बेक जा रहा है, बेक होने 10 सेकंड ताकि ये बिल्कुल आटे की तरह ना रहे, बेस बन जाए। तो ये हम जा रहे हैं इसको हम करेंगे ओनली फॉर 10 सेकंड मेरे ख्याल। हाँ बस थोड़ी सी देर के लिए करेंगे हम लोग, बिल्कुल करेंगे मिनी पिज्जा का डो। माय गॉड तो फिर टफ है ये, नीचे परेतन नहीं था तो चिपक गया, अफसोस भी रखना पड़ेगा, तोड़ना पड़ा एक को। ये देखिए गए हमारे मास्टर चेफ जिनको तोड़ना पड़ा। तो शरबत है पाइन एप्पल क्रश का, क्योंकि तो यार ये इतना ठंडे ठंडा दिख रहा है कि मैं दिल जा रहा है। ओ माय गॉड ये अब निकल रहा है, लग तो रहे हो गया लेकिन ये गर्म है तो एक इसलिए इसको चम्मच सही है ना। वाह बिल्कुल प्यारा बेस वाला बना है। ये पूरे बनने के बाद इसके अंदर हमने जीरा बन डाल दिया है और ये था हमारा अनियन रिंग्स वाले भजिए। अनियन रिंग्स ये टोस्ट डाल रहे हैं, इनके इतने जो है ये टोस्ट हो चुका है, बस ये 4-5 बजे और बाकी ये जो है यहाँ पर हो रहा है।
बंद कर रखो और ये बहुत लेट हो गया है। और अब हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, लोग आ गए अंदर। यहाँ पर बिछात बिछाते हैं, देखिए अपने कमिनी गार्डन, इसका झूला बहुत प्यारा है, देखा तो था। टिंग 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 टिंग, यहाँ पर बिछात चल रही है, यहाँ पर ये कैमरे चल रहे हैं। तारा पकड़ ना, चलो हम लोग आ रहे हैं शरबत लेके। पानी इसमें ये लिया है ना, इसमें देखो देखो निकाल के देखो, ठीक है। चल ठीक है, शरबत है ना, पानी है ना, पानी शरबत ठीक है ना, सारी हाँ सही है। क्या लेके आया तुम? ये आ गया है चीटोस्ट। टाइम अपना हो रहा है, मम्मी मोमो की न्यू प्लेट आई है, आप थोड़ा लंच कर रहे हैं। कैसी बनी है? बेहतरीन, मैंने बनाई है अभी। जैसे मैंने कहा था जो कार है ना वो यूं निकले जनाब, यहाँ से वहाँ पहुँच गया कार के अंदर से आर पार निकल गए। हाँ तो उस दिन वो फजर की नमाज पढ़ गए, वो उधर से निकले घूम के आए अपने घर, इधर से निकले घूम के। कोई चीज सामने, हाँ बारिश आ रही है उधर, देखे पास आधी आ गई शुरू हो गई। हाँ वो पानी यहाँ पे, ये भूतों की बातें सुना रहा है बच्चों को इस टाइम, और मौसम की बातें सुना रहा, मतलब सच्चे किस्से, सच्चे वो सुना रहा, सच्चे किस्से। धीरे धीरे अभी देखिए, अभी इतना पानी है, अभी पूरा ये पूरे में पानी पानी हो जाएगा, और इधर भी बारिश शुरू हो जाएगी। और मौसम आज इतना खूबसूरत हो रहा है, सारा से पूछ लिया आप लोग, सारा को बता नहीं दूंगा। हाँ कोई बोट में है, कोई बोट में बैठा हुआ है, गलत टाइम में बैठे हो, सही है। और ये है हमारी मम्मी जो घुस रही है नाली के अंदर, ये देख रहे आप। ओह माय गॉड, वो तूफान इधर आ चुका है, वो तूफान इधर आ चुका है, पानी पूरा। बिल्लू को पकड़ो, बिल्लू, मम्मी मम्मी वहाँ पे है। इन लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा है, पूरी ठंडी ठंडी हवाओं का मजा यही लोग ले रहे हैं। ये क्या करना चाह रहे हो? टाइटे बहुत खूबसूरत। बारिश में कौन कौन भीगेगा ये बताओ, देखते कितनी देर तक यहाँ पे आ जाएगी। हो तो रहा है, पानी तो आ रहा है, हवा तो आ गई, देखो मिम्मी मेरा बेटा, दिखा ना मिम्मी को, मेरा बेटा, मेरा बच्चा कहाँ हो रहा है? ये सब बच्चे, आप लोग, मौसम मौसम सब पागल हो गए, सब पागल हो गए यहाँ पे। मिम्मी इधर ही है, ये देखे आप लोग, पानी कितना खतरनाक आ रहा है भाई, बूंदे बूंदे, इतनी मोटी मोटी बूंदे गिर रही है। बस यहीं पे नहीं आया अभी तक पानी सारा, बताओ क्या करना है अब अपन को? अपन को मस्ती करना, इनको मस्ती करना है, गार्डन गार्डन हो गए इनका, गार्डन गार्डन हो गया दिन इनका दिन। तुम्हारा दिल क्या हुआ है? होटल होटल तो नहीं हुआ तुम्हारा दिल, गार्डन हुआ, बोट चला रहा है। हाँ सही में बोट चला रहा हो, कोई वो बोट चला रहा है, आप लोगों को शायद दिख जाए, देखो पेड़ के पीछे ज़ूम है, फुल ज़ूम है। अरे यार आपका ज़ूम दे, हमारा नहीं है निशान भाई का, अब फिट है, ओ फिट है। ये कुछ कह रहा है, शायन कुछ कह रहा है, शायन कुछ कह रहा है, कह रहा है ज़ूम बहुत खराब है। सही है, आप क्या कह रहे हैं? पानी आ रहा है, पानी बहुत तेजी में शुरू हो गया, पानी बहुत तेजी में शुरू हुआ, भीगेंगे क्या? नहीं, अब भजियों का पेस्ट बनाया जा रहा है कुछ डिफरेंट तरीके से, क्योंकि ये हम लोग को बनाना है ब्रेड पकौड़ा, शायद ब्रेड पकौड़ा बनाना है और आलू की भजी बनाने हैं। इसलिए हम लोग इसका जब पूरा अलग ही बनाया है, कुछ ऐसा करा हम लोगों ने। सारे यहाँ पर कह रही हैं कि आप राई तो नहीं डालते, कौन है? ये देखिए ब्रेड पकौड़े की बन गए हैं, ये देखिए ये आलू है, हमारे ब्रेड है लेंगे कुछ इस तरीके से, इसको वो गैस ऑन करो, इस साइड वाला जल्दी गैस ऑन करो, जल्दी इधर वाला उस पे मरा तो कढ़ाई। हाँ इल्मा क्या कहेंगे तुम नॉरिन में? यार मैंने दो लोगों को बेटा की तरह साइकिल, आप बताइए मैंने कैसे किस तरीके से चलाई, बताओ इल्मा तुम। स्टार्ट करी
मैंने बताया पीछे खड़ा करा इल्मा को, जैसे खड़ा करने के लिए वहाँ पे, और सामने जो डंडा था वो स्टैंड मिटा हुआ और ट्रिपलिंग करके चला, मजे आ गया इससे। और अब मेरे पैर दुख रहा है, नहीं जानती हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा वजन से चलाई है। मेरे ब्रेड पकौड़े कितने टेस्टी दिख रहे हैं, आपको दिखाई इतने कुछ मंगवा है। इसका मैं ऐसे नॉर्मल स्लिंग कर बनाएं क्योंकि सारा चीज़ और कुछ भी नहीं खाती है, और हाँ टाइम भी नहीं था, ऐसे बहुत लेट हो गया हम लोग टाइम क्या हो रहा है ना, ये डिपिंग डिपिंग चल रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है, ताजिया कुछ यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं पारेल पटेटो, ये छिलके वाले तो हम लोग का छिलके नहीं, तो ये नॉर्मल करें। क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे रसना, यहाँ पे जो सारे हैं जो कि देख लेंगे, और ये हमारे चल रहे हैं फ्राई। तो यहाँ पर एक कप पे सारा को बदलना ना करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा करेंगे कि हम तलेंगे, हम चलेंगे बिल्कुल ही लास्ट का टाइम था, लेकिन फिर एक ट्रिप ने सोचा बना लेते हैं आलू बड़े, ये हम लोग बने हम लोग तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आप सब ईद के व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।